साथियों नमस्कार, हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हिंदी को अंग्रेजी में लिखना सीखें, हिंदी को अंग्रेजी में लिखना सीखें कि आज की इस वीडियो में हम एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है कबूतर और शिकारी। कबूतर और शिकारी कहानी को हमने यहाँ पर संक्षेप में लिखा है। इसी कहानी के माध्यम से हम लोग आज हिंदी को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। ये हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं है, यहाँ पर हम आपको हिंदी को अंग्रेजी के अक्षरों में लिखना बताते हैं, यानी कि रोमन लिपि में लिखना बताते हैं। तो आप भी अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ साथ लिखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं कि कृपया आप लोग हमारी वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने से हमको हमारे चैनल को लाभ होता है और आप भी बहुत तेज़ी से लिखना पढ़ना सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ लिखने के लिए तैयार होंगे। लिखेंगे, एक दिन एक शिकारी ने एक ई और के एक दिन डी आई एन दिन एक फिर ई और के एक शिकारी एश एच आई शी के ए आर आई शिकारी ने एन ई ने एक दिन एक शिकारी ने पक्षियों को पकड़ने के लिए लिखेंगे पी ए के एस एच आई और वाई ओ एन अनुस्वार बिंदु के लिए एन लिखेंगे, ठीक है। पक्षियों को के ओ को पकड़ने पी ए के और डी ए एन ई, ठीक है। थोड़ा डी पास में लिख गया है, ये डी है, आप लिखें तो ठीक से जा थोड़ा दूर लिखें। पकड़ने के के ई के लिए एल आई ई लिए जाल बिछाया जाल जे डबल ए एल जाल बिछाया बी आई सी डबल एच वाई ए बिछाया और ए यू आर और जाल जे डबल ए एल जाल के ई के ऊपर अनाज के दाने ऊपर डबल ओ पी ए आर ऊपर अनाज ए एन डबल ए जे अनाज के ई के दाने डी डबल ए एन ई दाने डाल, और यहाँ भी डबल ए लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। डी डबल ए एल डाल दिए डी आई ई दिए। आगे लिखेंगे कुछ देर बाद कुछ के यू शी डबल एच कुछ डी ई आर देर बी डबल ए डी बाद कबूतरों के ए बी डबल ओ टी ए आर ओ एन, ठीक है। कबूतरों का के ए का झुंड आया लिखेंगे जे यू एन
डी, माफ करना, जे एच है, ठीक है, जे एच झू होगा, जे एच झा होता है, और यू से छोटे ऊ की मात्रा झू, आधा ना के लिए एन, और डी झुंड, आया ए वाई ए, आया और ए, आया में आप डबल ए लिख सकते हैं और चाहें तो सिंगल ए लिखें, आया ही पढ़ा जाएगा, ठीक है, आया नहीं पढ़ा जाएगा, आया ही पढ़ा जाएगा, ए यू आर और अनाज, ए एन डबल ए जे अनाज, खाने के एच ए एन ई खाने। आगे लिखेंगे के लालच में, के लालच, एल ए एल और ए यहाँ भी लिखेंगे, सी एच लिखें, ठीक है, लालच में, एम ई में जाल में, जे डबल ए एल जाल, एम ई में फंस, और पी एच ए एन एस फंस गया, जी वाई ए फंस गया। आगे लिखेंगे वे बहुत परेशान थे, वे वी ई वे बहुत, बी ए एच यू टी बहुत परेशान, पी ए आर ई एच एच ए एन परेशान थे, टी एच ई थे, वे बहुत परेशान थे के बाद में आगे लिखेंगे सबने जाल के सहित, सबने एस ए बी एन ई, यहाँ पे आप ए लिख भी दें या ना भी लिखें बी के आगे, ठीक है, सबने ही पढ़ा जाएगा, सबने जाल, जे डबल ए एल जाल के ई के सहित, एस ए एच आई टी सहित, एक ई और के एक साथ उड़ने की योजना बनाई, एक साथ एस डबल ए टी एच साथ उड़ने, यू डी ए एन ई उड़ने की, के आई की योजना, वाई ओ जे ए एन ए योजना बनाई, बी ए एन ए आई बनाई, ठीक है, के बाद में आगे लिखेंगे साथ उड़ने की योजना बनाई और वे, ए यू आर और वे वी ई वे जाल को लेकर, जे डबल ए एल जाल, के ओ को लेकर, एल ई के ए आर लेकर उड़ने, यू डी ए एन ई उड़ने लगे, एल ए जी ई लगे, और यदि आप यहाँ पर ए ना भी लिखें तब भी लगे ही पढ़ा जाएगा, ठीक है, शिकारी उनके पीछे भागा, शिकारी एश एच आई शी के डबल ए आर आई शिकारी उनके, यू एन उन के ई के पीछे, पी आई सी एच ई पीछे भागा,
BHAGA भागा, लेकिन वह उन्हें पकड़ नहीं पाया। लिखेंगे लेकिन वह उन्हें, LEKIN लेकिन वह VAH वह उन्हें, UNHEN उन्हें पकड़, PAKAD पकड़ नहीं, NAHI नहीं पाया, PAYA पाया। आगे लिखेंगे वे उड़ते उड़ते, वे उड़ते उड़ते, UDATE उड़ते, UDATE उड़ते उड़ते अपने, APNE अपने मित्र चूहे के पास पहुँचे, अपने मित्र MITRA मित्र चूहे, CHOOHE चूहे के, KE के पास, PAAS पास पहुँचे, PAHUN CHE पहुँचे। वे अपने मित्र चूहे के पास पहुँचे, वे उड़ते उड़ते अपने मित्र चूहे के पास पहुँचे, चूहे ने जाल को काटकर, चूहे ने CHOOHE चूहे, NE ने, JAAL जाल, KO को, KAT काट, और KAR काट कर। और यहाँ पर यदि डबल ए हो तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि इसे कट कर भी पढ़ सकते हैं, तो लिखेंगे ब्रैकेट में KAAT काट, KAR कर काट कर, ठीक है, काट कर सभी कबूतरों को, सभी SABHI सभी कबूतरों, KABOTARON कबूतरों को, KO को, MUKT मुक्त, KAR कर दिया, दिया यहीं पे लिख देंगे DIYA सभी कबूतरों को मुक्त कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपने पूरी देखी होगी, और यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। तो लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को, और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमने अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत सरल और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से हिंदी लिखना पढ़ना सिखाया है, और बीच बीच में हम आपको अंग्रेजी लिखना पढ़ना भी सिखाते रहते हैं। तो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, और वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।